हेलो एंड वेलकम एवरी वन, माई सेल्फ भाग्यश्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू टॉपिक, दैट इज म्यूचुअल फंड फ्रॉम योर पेपर नंबर 14 CMA फाइनल ग्रुप 3 SFM। ओके, सो SFM का म्यूचुअल फंड अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में बेसिकली अभी म्यूचुअल फंड क्या होता है ये तो सब लोग को पता है। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में हम लोग ने इन्वेस्ट किया। सो बेसिकली वो म्यूचुअल फंड का हम लोग को क्या करना है कि वैल्यूएशन करना है, या फिर हम लोग को नेट असेट वैल्यू या फिर नेट रिटर्न फाइंड आउट करना होता है म्यूचुअल फंड में। सो बेसिकली कुछ फार्मूलाज है म्यूचुअल फंड में, वो हम लोग को देखना है। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर सम फार्मूलाज फॉर म्यूचुअल फंड क्वेश्चंस। सो फार्मूलाज के लिए हम लोग एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और हम लोग फार्मूलाज याद करेंगे। ओके, सो दिस दीज आर द फार्मूलाज, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फार्मूलाज बढ़ते जाएंगे। सो SFM म्यूचुअल फंड फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फार्मूला फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इज नेट असेट वैल्यू। ओके, NAV, नेट असेट वैल्यू, NAV शॉर्ट में बोलते हैं। सो इसके लिए क्या करना है, हम लोग को मार्केट वैल्यू लेना है। ओके, मार्केट वैल्यू प्लस रिसीवेबल्स प्लस इनकम माइनस पेएबल माइनस एक्सपेंसेस करेंगे, सो नेट असेट वैल्यू मिल जाएगा, NAV। ओके, जनरली इसमें से जो वैल्यू मिलता है वो ईयर एंड वाला नेट असेट वैल्यू यानी कि NAV मिलता है। ओके, सो दिस फॉर्मूला जनरली विल ब्रिंग क्लोजिंग NAV, क्लोजिंग मीन्स ईयर एंड वाला NAV। ओके, सो इसको जो क्लोजिंग NAV होता है उसको NAV1 ऐसे बोला जाता है। ओके, सी नोट NAV नेट असेट वैल्यू जीरो का मतलब होता है ओपनिंग नेट असेट वैल्यू। ओके, सो ओपनिंग मतलब ईयर के स्टार्टिंग का अगर NAV रहेगा उसको हम लोग ओपनिंग बोलते हैं, तो उसी के लिए उसको डिनोट करते हैं इससे, जीरो से। ओके, उसके बाद अगर क्लोजिंग का हम लोग को डिनोट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, NAV1, NAV1 मीन्स क्लोजिंग नेट असेट वैल्यू। ओके, नोट NAV 0 ऑलवेज वी कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट वैल्यू। ओके, जो भी ओपनिंग नेट असेट वैल्यू ओपनिंग NAV रहता है वो हम लोग कॉस्ट वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं, और NAV 1 यानी कि क्या क्लोजिंग NAV वो हम लोग मार्केट वैल्यू का जो ऊपर हम लोग ने फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली NAV 1 इज द ओपनिंग नेट असेट वैल्यू विच कैन बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट वैल्यू, एंड NAV 1 इट इज़ अ क्लोजिंग नेट असेट वैल्यू एंड विच कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग मार्केट वैल्यू फार्मूला। ओके, दिस फार्मूला इज स्पेसिफिकली फॉर NAV 1, दैट इज क्लोजिंग NAV। ओके, सो ये फार्मूला यूज करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है म्यूचुअल फंड में। उसके बाद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फार्मूला फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इज दिस नेट रिटर्न। ओके, नेट रिटर्न मतलब कितना रिटर्न हम लोग को उससे मिल रहा है वो म्यूचुअल फंड से, ये हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। सो फार्मूला इज NAV 1, दैट इज क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV प्लस दिस इज डिविडेंड। ओके, प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय 100 द होल डिवाइडेड बाय NAV 0 यानी कि ओपनिंग NAV। ओके, सो दिस इज द सेकेंड फार्मूला। I'm showing you the formula which are related to the question number 1. Okay, so पहले formula देखेंगे बाद में question देखेंगे। See, next is expense ratio। अगर किसी चीज़ का ratio निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, total expense, अभी expense ratio है, so total expense multiplied by 100 divided by average value of portfolio। Okay, average value of portfolio, it means opening value plus closing value divided by 2। सो एवरेज वैल्यू पोर्टफोलियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, NAV 0 प्लस NAV 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, स्टार्टिंग में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये फॉर्मूलाज, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट एक्सपेंस पर यूनिट, सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे सो एक्सपेंस पर यूनिट मिल जाएगा। ओके, दीज फाइव फार्मूलाज आर इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो वी हैव सीन द फार्मूलाज, नाउ वी विल रीड द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट्स टू द ग्लिट फंड स्कीम। ओके, सो अमाउंट्स आर इन करोर्स, सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर इन विच वी हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स। ओके,
सो शेयर्स में हम लोग ने इन्वेस्ट किया है ये सब कंपनीज में, आफ्टर दैट कैश एंड अदर असेट्स इन हैंड इवन थ्रू आउट द फंड पीरियड, ओके थ्रू आउट द फंड पीरियड. सो दिस कैश एंड अदर असेट्स आर रिलेटिंग टू द क्लोजिंग NAV, क्लोजिंग नेट असेट वैल्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग के लिए नहीं है, क्योंकि इवन थ्रू आउट द फंड पीरियड बोला है. सो बेसिकली स्टार्टिंग में ये नहीं था, बाद में हम लोग का जनरेट हुआ है. सो फॉर NAV 0 वी विल नॉट कंसिडर दिस, फॉर NAV 1 वी विल कंसिडर दिस. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बेयरिंग बॉन्ड, ओके सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सो दे हैव इन्वेस्टेड इन दैट एंड हियर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट बॉन्ड एंड पर यूनिट वैल्यू, मीन्स पर बॉन्ड वैल्यू इट इज गिवन, दैट इज रुपीज 10,000 ईच, ओके एंड दिस इज द अमाउंट दैट इज इन करोड़, ओके एंड आफ्टर दैट एक्सपेंसिज पेएबल एज अ क्लोजर डेट, ओके एक्सपेंसिज आर पेएबल आफ्टर दैट मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन लिस्टेड बॉन्ड, इसका मतलब इसका लिस्टेड बॉन्ड का मार्केट एक्सपेक्टेशन कितना है वो हम लोग को बोला है, ओके सो वी विल कंसिडर दिस वाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग दैट इज 5.50, एवरीथिंग इज इन करोड़. आफ्टर दैट अ पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द सेक्टरल इंडेक्स आर एज फॉलोज, सो इंडेक्स हम लोग को दिया है कि डेट ऑफ परचेस में इंडेक्स कितना था और डेट ऑफ वैल्यूएशन में कितना है, इसका यूज करके हम लोग को क्लोजिंग वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ओके सो वी विल फाइंड आउट द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हाइल डूइंग NAV 1, ओके सो रिक्वायर्ड दैट इज नेट असेट वैल्यू ऑफ द फंड, ओके नेट असेट वैल्यू NAV, ओके नेट असेट वैल्यू पर यूनिट यानी कि NAV पर यूनिट, ओके सो इधर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी बोला हुआ नहीं है, सो हम लोग दोनों करेंगे, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर ओपनिंग NAV यानी कि NAV 0 एंड देन क्लोजिंग NAV दैट इज NAV 1, ओके नेक्स्ट. If the period under consideration is 2 years and the fund has distributed ₹2 per unit per year as a cash discount, so this is basically a discount. This information is basically for the discount. Okay, ये discount के बारे में बोला है, per unit दिया हुआ है, लेकिन 2 years का है. Okay, so this discount is for 2 years, that is per unit. Okay, next is ascertain the net return annualized. It means we have to calculate net return for the एनुअल, मतलब एक ईयर का हम लोग को नेट रिटर्न फाइंड आउट करके देना है. नेक्स्ट, एसर्टन द एक्सपेंस रेशियो इफ द फंड हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंस रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड पब्लिक पब्लिसिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, ओके एक्सपेंस तो दिया है लेकिन कैसे दिया है, लैक्स में दिया है, ओके एंड बाकी का जो भी डेटा है वो करोड़्स में है, ओके सो वी हैव टू कंपल्सरीली वी हैव टू कन्वर्ट दिस लैक्स अमाउंट इनटू द करोड़, ओके ये जो लैक्स में दिया हुआ अमाउंट है उसको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का जो इंपॉर्टेंट डेटा है सब कुछ करोड़ में है और यही सिर्फ लैक्स में दिया है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू द करोड़्स, ओके आफ्टर दैट हियर यू कैन राइट एक्सपेंस पर यूनिट वी हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज आंसर जो है बुक का उसमें एक्सपेंस पर यूनिट भी फाइंड आउट करके दिखाया है, सो इधर पूछा तो नहीं है फिर भी हम लोग को करना है, सो एक्सपेंस पर यूनिट यू कैन राइट हियर, ओके सो दिस इज द एडिशनल कैलकुलेशन वी हैव टू डू बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, वी विल कन्वर्ट दिस अमाउंट इन टू द करोर्स, ओके सो इधर जगह है तो हम लोग इधर लिखेंगे इन करोर्स, ओके इन करोड़ हम लोग को फाइंड आउट करना है. सी कैसे करना है, ये क्या है 275 कैसे है लैक्स में, ओके सो लैक्स मतलब फाइव जीरो हम लोग को ऐड करना है इसके पीछे, सो दिस इज लैक, ओके हम लोग को चाहिए करोड़ में, वी वांट इन करोड़, सो डिवाइडेड बाय 1 करोड़ दैट इज टोटल 70 से डिवाइड करना है, सो कितना आया 2.75, सो इन करोड़ में कितना आया 2.75, ओके लाइक वाइज 350 लैक्स मतलब 50 एक्स्ट्रा लगाना है डिवाइडेड बाय 1 करोड़ यानी कि 1 के ऊपर 70, सो 3.5, नेक्स्ट 80 उसके ऊपर 50 उसके बाद 1 करोड़ से डिवाइड करो तो 0.8 आ जाएगा, ओके एंड दिस इज़ द टोटल, ओके दिस इज़ टोटल ऑफ ऑल ऑफ दिस, सो टोटल डायरेक्टली दिया है उसको भी हम लोग लाख लिखेंगे उसके बाद करोड़ से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 7.05.
7.05. Now each and every data is in crore, so no tension. Okay, so basically we have to start now net asset value, that is opening and closing, and NAV per unit, opening and closing. Let's start. First of all, we will calculate opening NAV and then we will go for closing NAV. Okay, opening NAV करने के लिए बहुत सिंपल रहता है, क्योंकि ओपनिंग एनएवी हम लोग ने देखा है कि कैसे करना है. सी, ओपनिंग एनएवी यानी कि एनएवी जीरो, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कॉस्ट. सो कॉस्ट जितना हम लोग को क्वेश्चन में दिया है वही सब हम लोग को रिकॉर्ड करना है और कुछ भी नहीं करना है. ओके, सो ये जो भी कॉस्ट हम लोग को दिया है उसमें से रिलेवेंट जो भी है, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, वो हम लोग को सिर्फ कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन चेक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. आई विल जस्ट राइट आंसर हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एनएवी, दैट इज अमाउंट्स ऑल इन करोर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू राइट दिस. आफ्टर दैट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आईटी एंड आईटीएस कंपनीज, उसमें हम लोग ने इन्वेस्ट किया है 28. ओके, 28 ऊपर करोड़ लिखा है, तो अगेन एंड अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, 28. ओके, नेक्स्ट, आई एम जस्ट कॉपिंग द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इट इज 15. देन एविएशन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, दैट इज 7. ऑटोमोटिव 32. एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस, इट 8. ओके, 8. आफ्टर दैट सी, इधर तक हम लोग का हो गया. उसके बाद कैश एंड अदर असेट्स इन हैंड बोला है, उसको कुछ नहीं करना है क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू क्लोजिंग एनएवी. ये क्लोजिंग एनएवी से रिलेटेड है क्योंकि ओपनिंग में हमारे साथ था, मतलब कैश हमारे साथ था, ऐसे कुछ भी बोला हुआ नहीं है. इट इज इवन थ्रू आउट द पीरियड फंड पीरियड. सो फंड पीरियड मतलब क्लोजिंग के रिलेटेड है, ओपनिंग में लेना नहीं है. ओके, आफ्टर दैट बचा सिर्फ ये लिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड बॉन्ड्स. ओके, ओपनिंग एनएवी लेते वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको सिर्फ लेना है. ये जो एक्सपेंस वगैरह है वो क्या बोला है, एट अ क्लोजर डेट. ओके, दीज एक्सपेंस आर रिलेटेड टू द क्लोजर डेट. क्लोजर डेट मीन्स क्लोजिंग डेट, सो दैट्स वाई दिस इज रिलेटेड टू द क्लोजिंग एनएवी एंड नॉट अ ओपनिंग एनएवी. आफ्टर दैट मार्केट एक्सपेक्टेशन, इट मीन्स मार्केट वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू रिलेट्स टू द एनएवी 1. सो दैट्स वाई हियर वी विल नॉट कंसिडर. एंड लास्ट वन इज नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग. ओके, और ये जो भी इंडेक्सेशन दिया है वो सब मार्केट वैल्यू के रिलेटेड होता है. सो ये सब क्लोजिंग का इन्फॉर्मेशन है. ओके, सो बेसिकली ओपनिंग में कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं. तो लिस्टेड बॉन्ड्स का वैल्यू हम लोग को दिया है 10 और अनलिस्टेड का वैल्यू दिया है 8. सिंपली वी हैव टू टेक जस्ट अ टोटल. सो 28 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8, इट कम्स टू 108. सो हम लोग का ओपनिंग एनएवी रेडी हो चुका है, दैट इज 108. ओके, अभी ओपनिंग एनएवी आने के बाद सी क्या क्या पूछा है. एनएवी, ओके, मतलब अमाउंट, नेट एनुअल वैल्यू का, सॉरी नेट असेट वैल्यू का अमाउंट पूछा है. सो नेट असेट वैल्यू का अमाउंट तो दे दिया 108 ओपनिंग एनएवी. नाउ पर यूनिट भी चाहिए उन लोग को. ओके, सो नंबर ऑफ यूनिट चेक करो कितना है, 5.50. ओके, सो पर यूनिट चाहिए. सो क्या आएगा, ओपनिंग एनएवी पर यूनिट, मतलब क्या, मतलब एनएवी 0 पर यूनिट चाहिए. एनएवी 0 पर यूनिट चाहिए. ओके, सो अमाउंट ऑफ ओपनिंग एनएवी, दैट इज एनएवी 0. ओके, 108 कैसे है हम लोग का, करोर्स में. ओके, करोर्स में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग. अभी अभी मैंने आपको दिखाया 5.50 दिया हुआ है, 5.50. ओके, सो सिंपली हम लोग को डिवाइड करना है 108 डिवाइडेड बाय 5.5, इट कम्स टू 19. अभी इधर 6 है ना, तो ये 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. सो दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करना है, 19.64. ये कैसा आया हम लोग का पर यूनिट. ओके, दिस इज पर यूनिट. ओके, पर यूनिट. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड फॉर ओपनिंग एनएवी. नाउ वी हैव टू गो फॉर क्लोजिंग एनएवी. अभी क्लोजिंग में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आ जाएगा, ओपनिंग में वैसा कुछ भी नहीं था. ओके, चलो अभी क्लोजिंग के लिए ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया है. सो ये जो है आईटी,
इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, ऑटोमोटिव एंड बैंकिंग, ये जो ऊपर का लिस्ट है वही इधर नीचे दिया है। मतलब ये जो वैल्यूज है सारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि इधर इंडेक्सेशन दिया हुआ है। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू प्रिपेयर सम वर्किंग नोट फॉर दिस। ओके, सी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग एनएवी अमाउंट्स आर इन करोड़। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सो कंपनीज का जो भी नेम है वो लिखा है, अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन नंबर वन का वर्किंग नोट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आईटी एंड आईटीईएस का हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो इसमें बेसिकली सी कितना वैल्यू था जब परचेस किया था, दैट इज 28। ओके, एंड डेट ऑफ परचेस में इंडेक्स कितना था, 1750। ओके, सो इंडेक्स था 1750, वैल्यू था 28। ओके, अभी इंडेक्स कितना हुआ है, 2950, क्लोजिंग का इंडेक्स था 2950। इंडेक्स के नीचे इंडेक्स आएगा और अमाउंट के नीचे अमाउंट आएगा। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस इज ओपनिंग यानी कि परचेस वाला इंडेक्स, परचेस वैल्यू। ओके, सो परचेस आगे आगे सामने सामने आएगा, क्लोजिंग वाला इंडेक्स तो क्लोजिंग वाला वैल्यू कितना। ओके, सो 2950 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई 1750, इट कम्स टू 47.5, इट कम्स टू 47.2, सॉरी 0.2। ओके, सो वी विल रिकॉर्ड हियर, सी 47.2, एवरीथिंग इज इन करोड़, सो अगेन करोड़ रिकले की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट वाला हो गया, वैसे ही सेकेंड वाले का करना है। सेकेंड है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वैसे ही करना है हम लोग को, जो ओपनिंग इंडेक्स था 1375 है, मतलब परचेस वाला, और उसका वैल्यू था 15। अभी अपना इंडेक्स हो गया 2475। ओके, तो हम लोग इधर कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी पहले ये इंडेक्स लेना है, ये वैल्यू लेना है, उसके बाद ये अपना इंडेक्स आएगा, उसके सामने वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो 2475 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 1375, इट कम्स टू 27। ओके, जैसे जैसे आ रहा है मैं रिकॉर्ड करते जा रही हूँ, इधर इसका आ गया 27। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपना है एविएशन वाला। ओके, पूरा मैं आंसर नहीं, मतलब आंसर पूरा कंपनी का नाम नहीं लिख रही हूँ, एविएशन से। एविएशन में इंडेक्स था 1540। ओके, और उसका वैल्यू था 7, और अभी इसका इंडेक्स हो गया 2570। तो देखते हैं कितना वैल्यू आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली एवरीवेयर। सो 2570 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1540, इट कम्स टू 11 पॉइंट, राउंड ऑफ करेंगे, इधर 1 है तो ये 8 का 8 वैसे ही रहेगा, 11.68। सो हियर 11.68। नेक्स्ट इज ऑटोमोटिव का पहले था 1760, उसका वैल्यू था 32, अभी हो गया 2860, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे अभी कितना हुआ। सो 2860 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइडेड बाय 1760, इट कम्स टू 52। ओके, सो हियर इट इज 52। ठीक है, नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस, लास्ट वन। सो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका देखते हैं इंडेक्स ओपनिंग में कितना था। ओपनिंग में 1600 एंड उसका वैल्यू था 32, सॉरी उसका वैल्यू था 8, उसका वैल्यू था 8, और क्लोजिंग में हुआ 2300। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 2300 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1600, इट कम्स टू 11.5। ओके, सो इधर तक हम लोग का सबका वर्किंग हो गया है, ये रिकॉर्ड भी करके हो गया 11.5। ओके, डन। अभी उसके बाद क्या है, कैश एंड अदर असेट्स इन अ हैंड। ओके, वी हैव कंसिडर टिल दिस। ओके, आफ्टर दैट कैश एंड अदर असेट्स इन हैंड वो कितना दिया है, 2 दिया है, मतलब वो वैसे के वैसे ही आएगा, उसमें तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं, सो 2 वैसे ही आया। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड बॉन्ड्स। ओके, सो
इधर तक हम लोग का पूरा डेटा यूज करके हुआ है, अभी क्या बचा है लिस्टेड एंड अनलिस्टेड बॉन्ड का। सो नेक्स्ट इज एक्सपेंस पेएबल ऑन क्लोजर, सो दीज आर एक्सपेंस नॉट अ इन्वेस्टमेंट। मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन अ लिस्टेड बॉन्ड, सो दिस इज रिलेटेड टू दिस, ओके। सो 8.40 ये अपना मार्केट एक्सपेक्टेशन है। तो अभी हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग देखेंगे। हम लोग कर रहे हैं लिस्टेड बॉन्ड्स का, सो नेक्स्ट इज लिस्टेड बॉन्ड्स का वर्किंग नोट, ओके। लिस्टेड बॉन्ड्स का नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सी 10,000 बॉन्ड्स है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये क्या है अपना रेट पर बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड का वैल्यू, जो फेस वैल्यू हम लोग बोलते हैं ना, वो 10,000 है, ओके। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 10,000 बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 10,000 ईच, मतलब एक बॉन्ड का वैल्यू। सो अमाउंट कितना आएगा हम लोग का, अमाउंट सिंपली हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, ओके। सो हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, सी 10,000 बॉन्ड्स है मल्टीप्लाइड बाय 10,000 किया, तो ये अमाउंट आया। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाइड बाय 10.50%, ओके। सो मल्टीप्लाइड बाय 10.5% इट कम्स टू 1,05,00,000, ओके। 1,05,00,000 जो आया मैंने वो लिख के रखा, ओके। अभी अपना मार्केट एक्सपेक्टेशन कितना है, जो 0.5 दिया है ना क्वेश्चन में, 8.40, ओके, वो हम लोग को इधर अप्लाई करना है। सो डिवाइडेड बाय 8.40%, डिवाइडेड बाय 8.40%, ओके, इट कम्स टू दिस मच, ओके, इट कम्स टू दिस मच। अभी हम लोग को ये ऐसे नहीं लिखना है, हम लोग को करोड़ में वैल्यू चाहिए, सो डिवाइड करेंगे 1 करोड़ से, ओके। ज़ीरो काउंट करना है अच्छे से, 7 ज़ीरोज़ होना चाहिए, सो 12.5 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। सो हम लोग ने कन्वर्ट किया तो अपना आया 12.5 करोड़, ओके, रुपीज़ 12.5 करोड़। चलो तो ये हम लोग को लिखना है लिस्टेड बॉन्ड में 12.5। कैसे करना है, सिंपली हम लोग को नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स लेना है, पहले 10,000 नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स थे, उसका फेस वैल्यू किया, उसके बाद हम लोग ने उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे इंटरेस्ट मिलेगा वो सब इन्वेस्ट करते जाएंगे, ओके। वी विल इन्वेस्ट द इंटरेस्ट इन द दैट बॉन्ड ओनली, सो दैट्स वाई वी आर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। सो दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट एक्सपेक्टेशन, सो मार्केट एक्सपेक्टेशन इज 8.4%, इट कम्स टू दिस, बट वी डोंट वॉन्ट फुल अमाउंट, वी वॉन्ट इन करोर्स, सो डिवाइडेड बाय 1 करोड़, इट कम्स टू दिस मच, ओके। सो वी हैव रिटन एवरीथिंग हियर, so you will not get confused, so here 12.5 crore, so we have written that. Now no information is given about unlisted bond, so unlisted bond will come as it is, kuch bhi information nahi hai to kya kare, jo bhi hai waise hi likhna hai, okay. Now simply we have to take a total, jaise idhar total liya tha waise hi udhar bhi total lena hai, so 47.2 plus 27 प्लस 11.68 प्लस 52 प्लस 11.5 प्लस 2 प्लस 12.5 प्लस 8, सो दिस कम्स टू 171.88, ठीक है, इतना आया। उसके बाद हम लोग को करना है एक्सपेंसेस पेएबल माइनस, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग एनएवी फाइंड आउट कर रहे हैं, और अभी अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। सी मार्केट वैल्यू, वी हैव कंसिडर ईच एंड एवरी मार्केट वैल्यू, आफ्टर दैट रिसीवेबल्स, अदर कोई रिसीवेबल ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, सो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद कुछ इनकम है क्या, तो कुछ भी नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है। उसके बाद कुछ पेएबल्स है क्या, हाँ, तो इस क्वेश्चन में पेएबल है, एक्सपेंस पेएबल, सो क्या करना पड़ेगा, माइनस। उसके बाद कुछ एक्सपेंस वगैरह जो भी है, पेएबल एक्सपेंस सब एक ही हो गया, सो माइनस करना है एक्सपेंसेस, ओके। सो वी आर फॉलोइंग दिस फॉर्मूला ओनली, ओके। सो मार्केट वैल्यू वी हैव कंसिडर, नाउ वी हैव टू माइनस द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर गिवन, दैट इज हियर 3, सो जो भी एक्सपेंस दिया है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने उसको ब्रैकेट डाला है, सो 171.88 माइनस 3, इट कम्स टू 168.88, ओके 168.88, इधर तक हो गया। अपना आया एन ए वी 1, यानी कि क्लोजिंग एन ए वी,
अभी इधर भी वो आने के बाद हम लोग ने क्या किया था, पर यूनिट फाइंड आउट किया था, तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो क्लोजिंग एनएवी पर यूनिट. अमाउंट ऑफ एनएवी, सी अमाउंट ऑफ एनएवी इज 168.88. सो रुपीज 168.88 करोड़ में हम लोग को दिया है. ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, अभी जो यूज़ किया था फर्स्ट टाइम वही 5.50. सो डिवाइड करेंगे 5.50 से. ओके, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग एनएवी पर यूनिट, यानी कि एनएवी वन पर यूनिट, पर यूनिट. ओके, नाउ 168.88 डिवाइड बाय 5.5, इट कम्स टू 30.7. अभी इधर 5 है तो ये 0 का क्या हो गया, 1 हो गया. सो 30.71. ओके, 30.71. फाइनली इधर हम लोग का ये दोनों भी पार्ट हो गया, एन ए वी भी फाइंड आउट किया और एन ए वी पर यूनिट भी फाइंड आउट किया. अभी हम लोग को क्या कंसिडर करना है, सी दिस इज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन कि 2 ईयर्स का डिविडेंड इतना है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें कैलकुलेट करने का कुछ भी नहीं है. अभी नेक्स्ट है एसर्टेन द नेट रिटर्न. ओके, नेट रिटर्न यानी कि नेट रिटर्न वाला फॉर्मूला हम लोग को इधर काम आएगा, मतलब ये नेट रिटर्न इज इक्वल टू एन ए वी वन माइनस एन ए वी जीरो प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय एन ए वी जीरो. ओके, सो ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है अभी ये नेट रिटर्न के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल नेट रिटर्न तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, लेकिन पहला जो आंसर आएगा वो 2 ईयर्स का आएगा. ओके, बिकॉज ये जो भी डिविडेंड हम लोग को दिया है वो 2 ईयर्स का दिया है, 2 ईयर्स रुपीज 2 पर यूनिट, पर यूनिट. डिविडेंड कैसे दिया है उसके ऊपर हम लोग का डिसाइड होता है कि एन ए वी कैसे यूज़ कर रहा है. ओके, नाउ सी फॉर्मूला इज एन ए वी वन माइनस एन ए वी जीरो, राइट. एन ए वी का तो दो वैल्यू है ना, मतलब एक फुल अमाउंट है ये वाला, और अगर डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट से तो ये है, ये कैसे है, पर यूनिट है. ओके, सो एन ए वी में हम लोग एक तो फुल अमाउंट भी यूज़ कर सकते हैं और पर यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन यूज़ फुल अमाउंट ऑफ एन ए वी और एल्स पर यूनिट, एवरीथिंग इज सेम, बट वी दिस विल डिपेंड अपॉन डिविडेंड. नाउ डिविडेंड इज गिवन रुपीज 2 पर यूनिट, सो डिविडेंड इज इन पर यूनिट, सो दैट्स वाई एन ए वी वी विल यूज़ द एन ए वी पर यूनिट. ओके, सो एन ए वी वन पर यूनिट कितना है, 30.71. ओके, माइनस एन ए वी जीरो पर यूनिट कितना है, हम लोग ने ही फाइंड आउट किया था, दैट इज 19.64. सो 19.64. ओके, प्लस नाउ डिविडेंड, डिविडेंड बोला है 2 ईयर्स का है और रुपीज 2 पर यूनिट है. ओके, सो रुपीज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, ये 2 ईयर्स है और ये रुपीज 2 पर यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय 100 वैसे के वैसा आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एन ए वी जीरो. एन ए वी जीरो कितना है अपना, 19.64. ओके, अभी सिर्फ कैलसी चलाना है और उसको रिकॉर्ड करना है. ओके, सो 30.71 माइनस 19.64, इट कम्स टू दिस मच. उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज रुपीज, हाँ, सो रुपीज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना, 2 बाय 2 कितना आ गया, 4. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4. सो मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या है, इधर प्लस है ना, सो प्लस करेंगे 4, अगेन क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, डिवाइडेड बाय 19.64. ओके, इट कम्स टू 76.73, 76.73%. ओके, 76.73%. अभी ये तो आ गया 2 ईयर्स का, क्यों, इधर डिविडेंड कितने इसका यूज़ किया, 2 ईयर्स का, सो ये आंसर कैसे आया, 2 ईयर्स का, अपने को 2 ईयर्स का नहीं चाहिए. तो बोला है नेट रिटर्न एन्युअलाइज, सो नेट रिटर्न एन्युअलाइज में यानी कि 1 ईयर का. ओके, सो 76.73% इतना के 2 ईयर्स का बोला है ना, सो डिवाइड करेंगे 2, डिवाइड बाय 2 ईयर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ईयर का आ जाएगा. ओके, सो 76.73% है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो 38. राउंड ऑफ करेंगे, सो 37 आ जाएगा. ओके, इधर परसेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. 38.365 है, तो ये 5 की वजह से 6 का 7 हो जाएगा, सो 38.37. ओके, 38.37.
टेक्स्ट बुक में सीधा 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 राउंड ऑफ किया है, तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में डिफरेंस आएगा ही, तो इतना कुछ भी इशू नहीं है। हर जगह पे वो क्या करते, टेक्स्ट बुक में किस जगह पे राउंड ऑफ करते, किस जगह पे नहीं करते, तो हम लोग को एक ही फॉर्मेट रखना है। सो हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, तो अपना आंसर इतना आया। सो अपना किधर तक कैलकुलेट करके हो गया, इधर तक, ओके, नेट रिटर्न एनुअलाइज तक हो गया। अभी नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एक्सपेंस रेशो, और उसके बाद एक्सपेंस पर यूनिट, ठीक है। अभी एक्सपेंस रेशो करते वक्त हम लोग को ये एक्सपेंस कंसिडर करना है जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है इन करोड्स में, ओके। सो वी हैव टू यूज़ दीज एक्सपेंसेस। एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला हम लोग ने अपने चार्ट में देखा था ना, एक्सपेंस रेशियो का टोटल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ओके। और एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैसे होता है, NAV 0 प्लस NAV 1 डिवाइड बाय 2, ओके। पोर्टफोलियो यानी कि फुल अमाउंट लेना है NAVs का, जो भी NAV है उनका फुल अमाउंट लेना है। सो एक्सपेंस रेशियो हम लोग इधर देख रहे हैं, टोटल एक्सपेंस अपना आया था 7.05 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, है क्या अपने पास, तो नहीं है, वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। टोटल एक्सपेंस का तो हम लोग ने अपने क्वेश्चन में किया है ना, तो हम लोग इधर करके दिखाएंगे कि टोटल एक्सपेंस कैसे आया। सी टोटल एक्सपेंस सिंपली इधर क्वेश्चन में लिखा है, वो आंसर में भी दिखना चाहिए। सो हम लोग इधर लिख के दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग ने फाइंड आउट किया टोटल एक्सपेंस, इतना आया, इसका ही टोटल अपना आया था 7.05, ओके। 2.75 प्लस 3.5 प्लस 0.8 करोगे तो इतना आ जाएगा, ओके। यही वैल्यू इधर पुट किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला तो आपको पता है, अभी वैल्यू बोला है तो पर यूनिट नहीं चलेगा, अपने को फुल अमाउंट चाहिए, जो भी फुल अमाउंट रहेगा वो हम लोग को चाहिए। सो ये फुल अमाउंट मतलब ओपनिंग NAV का ये 108 प्लस क्लोजिंग NAV का ये 168.88, सो 168.88 डिवाइडेड बाय 2 वैसे के वैसा, सो 108 प्लस 168.88 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स टू 138.44 करोड़, एवरीथिंग इज इन करोड़, ओके। सो इतना आ गया, अभी सिंपली हम लोग को रिकॉर्ड करना है 138.44, ओके। सो 7.05 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 138.44, ओके, इट कम्स टू 5.09, ओके, 5.09%। 100 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो अपना आंसर परसेंट में ही आएगा, 5.09%। तो इधर अपना एक्सपेंस रेशियो तक तो हो गया है, अभी क्या है, एक्सपेंस पर यूनिट, ओके। एक्सपेंस पर यूनिट फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या है, टोटल एक्सपेंस फॉर्मूला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अपना जो लिस्ट हम लोग ने बनाया उसमें भी हम लोग ने देखा है कि टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ओके। सो टोटल एक्सपेंस कितना है अपना, 7.05 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.50, दैट इज 5.50। सो 7.05 डिवाइडेड बाय 5.5 इट कम्स टू 1.28, ठीक है। इधर तक अपना आंसर रेडी है, इतना ही क्वेश्चन में पूछा है। सो चाहिए तो आप लोग आंसर चेक कर सकते हो बुक में। सी उन लोग का ओपनिंग उन्होंने नीचे किया है, सो ओपनिंग NAV 108 अपना भी उतना ही आया है, और अपना NAV 0 का जो पर यूनिट होता है वो भी इतना ही आया है। उन लोग का क्लोजिंग और पर यूनिट दोनों भी अपना सेम ही है। उसके बाद हम लोग ने कैलकुलेट किया रिटर्न्स, रिटर्न्स में अपना 76.73 आया है, उन लोग ने राउंड ऑफ किया है, नो प्रॉब्लम। इधर अपना 38 पॉइंट समथिंग कुछ आया है ऊपर, इधर ही है ना 37, इधर 35, इतना डिफरेंस तो चलता है। उसके बाद क्या है, टोटल एक्सपेंस अपना भी सेम आया है, और उसके बाद ये तो एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है, और ये एक्सपेंस रेशियो का आंसर है, और ये पर यूनिट का आंसर है, ओके। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन नंबर 1, सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2।
Find the NAV per unit from the following information of the scheme of money plant. Okay, so हम लोग को क्या करना है, simply NAV but per unit find out करना है. Okay, so अभी closing opening कुछ भी बोला नहीं है, तो normally क्या होता है ना कि closing ही find out करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि opening में तो कुछ नहीं है. कॉस्ट का सिंपली टोटल लेते हैं ना हम लोग. सो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट किस में होता है, क्लोजिंग में. सो ये आई होप सो ये क्लोजिंग होगा, नीचे हम लोग को पता चलेगा. ओके, साइज ऑफ दिस स्कीम दैट इज़ रुपीज़ 100 लाख्स. ओके, उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स रुपीज़ 100 पर शेयर रहेगा ये. ओके, क्योंकि फेस वैल्यू बोला है ना ऑफ शेयर्स, सो दिस इज़ पर शेयर. नेक्स्ट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को बोला है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स. उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ़ दी फंड्स इन्वेस्टमेंट इज़ 180 लाख्स. ओके, सो ये क्या है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है. उसके बाद रिसीवेबल्स है और लाइबिलिटीज़ यानी कि क्या, पेएबल्स है. ओके, सो हम लोग को NAV फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली ये है ना क्लोजिंग NAV ही रहता है. ओके, सो क्लोजिंग NAV हम लोग को फाइंड आउट करना है. NAV का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, उसमें क्या बताया था कि नेट एसेट वैल्यू दैट इज़ NAV इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस रिसीवेबल्स प्लस इनकम माइनस पेएबल माइनस एक्सपेंस. ओके, सो मार्केट वैल्यू दे हैव गिवन अस दैट इज़ 180. ओके, एवरीथिंग इज इन लैक्स. सो 180 प्लस रिसीवेबल्स भी हम लोग को बोला है 2, और लाइबिलिटीज़ यानी कि पेएबल्स दैट इज़ 1. बाकी इनकम एक्सपेंस ऐसा कुछ भी बोला हुआ नहीं है. इनकम एंड एक्सपेंस आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स आर गिवन, दैट इज 2 and 1. ओके, सो प्लस रिसीवेबल्स प्लस इनकम तो कुछ भी नहीं है, माइनस पेएबल अपना 1 है और माइनस एक्सपेंस अपना कुछ भी नहीं है. ओके, सो सिंपली हम लोग को एड लेस करना है. सो 180 प्लस 2 प्लस 0 है तो कुछ नहीं है, माइनस 1 माइनस 0, तो कितना आ गया 181 रुपीज़ 181. लेकिन सब वैल्यू कैसे है, लैक्स में है. सो अपना कितना आया 181 लैक्स. ओके, तो इधर हम लोग का फुल अमाउंट आ गया. अभी हम लोग को क्या करना है, पर यूनिट करना है. ओके, सो नेट NAV पर यूनिट कैसे करते हैं हम लोग, फुल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग. सो फुल अमाउंट इज़ 181, ओके, लैक्स वैसे ही आया ना अपना फुल अमाउंट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, दैट इज कितना है, 1 लैक्स. ओके, दैट इज 1 लैक्स. सो 1 लैक. ओके, सो 181 डिवाइड बाय 1 करोगे तो उतना ही आएगा ना. सो रुपीज 181 पर यूनिट, इधर लैक्स नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ने पर यूनिट किया है. ये चाहिए तो मैं आपको करके दिखाती हूँ. 181 लाख्स बोला है, सो लाख्स डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आया, 181, दैट इज़ पर यूनिट, 181 पर यूनिट. ओके, ये जो बुक का आंसर है इसमें उन्होंने मिस्टेक किया है, 181 लाख्स नहीं आएगा अगेन, क्योंकि लाख से लाख को डिवाइड किया तो लाख नहीं बचता है. सो आंसर आएगा इतना ही आएगा, 181. ओके, दैट इज़ पर यूनिट. ओके, so here we have completed illustration number 2. If you found this video helpful, then please like the video, do share it with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.